अब सवाल यह आता है कि आखिर एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। सभी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जो लोग एकादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। हालांकि द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसीलिए दशमी और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, उसमें मां जगदम्बा शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल के रूप में महर्षि मेधा का उत्पादन हुआ, यानी महर्षि मेधा चावल के रूप में प्रकट हुए। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर बताया गया है। इस कारण चावल को जीव माना गया है, इसलिए एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से पूर्ण शुद्धता के साथ एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। वहीं दूसरी तरफ एकादशी के दिन चावल न खाने के पीछे ज्योतिष शास्त्र में यह भी मान्यता है कि चावल में जल तत्व की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है, जल पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव रहता है, चावल खाने से शरीर में जल तत्व की वृद्धि हो जाती है, इससे हमारा मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा उत्पन्न होती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है, इसलिए एकादशी के दिन गलती से भी चावल और चावल से बनी चीजों को खाने का वर्जित हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।